अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद आबिद और आप देख रहे हैं सैयद आबिद टीवी। 3.5 मरले का शानदार और ख़ूबसूरत तरीन घर लालादार गार्डन फेज़ 2 की शानदार लोकेशन पे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और आला किस्म का घर बना हुआ है। वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। जो दोस्त चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये अभी आप इसकी जो है वो लेफ़्ट साइड की लोकेशन देख रहे हैं। ज़बरदस्त लेफ़्ट साइड की लोकेशन है और आला किस्म का जो है वो वेदर है। ये राइट साइड की लोकेशन है, बन गली है, तकरीबन 30 फुट की रोड है। अभी आपको घर अंदर से विज़िट करवाते हैं। घर की तैयारी जो है वो लग रही है, लेकिन हमने कहा कि वीडियो जो है हम इसकी पहले शूट कर लें। ये अभी गैराज के अंदर आ गया मैं। गैराज में से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। एक पोर्शन आप रेंट आउट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये आप इसकी फॉल सीलिंग चेक करें, डिसेंट सी और ख़ूबसूरत सी फॉल सीलिंग। आला किस्म की जो है वो निश्चित बनाई गई हैं। आला किस्म की जो है वो निश्चित बनाई गई हैं, ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं आपको इसकी दीवार दिखाऊं लेफ्ट साइड पे, तो बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो टेक्चर हुआ है। ये हम पहले जो है वो ड्राइंग रूम के अंदर जा रहे हैं। ये आप ड्राइंग रूम में देखें, बड़ा शानदार और आला किस्म का जो है वो वॉल पेपर लगा हुआ है यहाँ पर। ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत तरीन ये घर है। लेकिन ये मैं आपको इसका बता दूं कि ये घर जो है वो यूज़ में है, ब्रांड न्यू नहीं है। ये आप देखें जी, लाउंज की स्पेस और ये सामने जो है वो किचन है और किचन के साथ जो है वो बेडरूम है। टोटल 3 बेडरूम का ये घर है। शानदार और ख़ूबसूरत घर बनाया गया है। ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ऊपर बड़े ज़बरदस्त साइज़ के मास्टर बेडरूम बनाए गए हैं। इंशाल्लाह आपको ये घर बहुत पसंद आएगा और कीमत भी इसकी जो है वो बहुत मुनासिब है। बड़े ज़बरदस्त साइज़ के बेड है। ये आप बेड का साइज़ चेक करें, बहुत ही आला किस्म का जो है वो बेड का साइज़ है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करता चलूँ तो तकरीबन कोई 12x13 का तकरीबन बेड बनता है, 12x13 या 14 का। ये फॉल सीलिंग आप चेक कर सकते हैं, इसकी डिसेंसी और ख़ूबसूरत सी फॉल सीलिंग। काम शाम अभी हो रहे हैं, अभी देखें सफाइयाँ वगैरह होने वाली हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, वार्डरोब 4 ड्रॉर वार्डरोब बनाई गई है। मोस्टली 3 ड्रॉर होती है, लेकिन ये 4 ड्रॉर बनाई गई है। वेंटिलेशन के लिए विंडो, ये अटैच वॉशरूम। ये भी सफाइयाँ, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सफाइयाँ भी होने वाली हैं। अभी मैं आपको इसका जो है वो किचन वो दिखा देता हूँ। ये भी हम किचन के अंदर जा रहे हैं। ये किचन चेक करें, बड़ा ज़बरदस्त साइज़ का किचन है। अच्छे साइज़ का जो है वो किचन बनाया गया है यहाँ पर। और ये सामने जो है वो वॉशिंग एरिया है, जिसकी अच्छी स्पेस है वॉशिंग एरिया की। ये मोटर वगैरह लगी हुई है यहाँ पर। और अभी मैं आपको ले के जा रहा हूँ ऊपर वाले पोर्शन। अभी हम ऊपर वाले पोर्शन में जा रहे हैं, आपको ऊपर वाला पोर्शन इसका विज़िट करवाते हैं। ये अभी हम जो है ऊपर वाले पोर्शन में जैसे ही आते हैं तो बड़ी प्यारी किस्म की एक निशिस तैयार होगी हुई है। ये सामने जो है वो लाउंज तैयार हुआ है, बड़ा प्यारा। वुड की पैलिंग हुई हुई एक साइड पे। ये चेक करें जी, बेडरूम फुल मास्टर साइज का जो है वो बेडरूम बनाया गया है। अगर इसकी मैं लाउंज की फॉल सीलिंग पहले दिखा दूँ आपको। अभी मैं बेडरूम के अंदर जा रहा हूँ। ये चेक करें जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वार्डरोब तैयार की गई है। बड़ा आला किस्म का काम हुआ है यहाँ पर। फॉल सीलिंग, अगर मैं इसकी टेक वाली आपको साइड दिखाऊं तो ये बेड की टेक वाली साइड है। इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम विजिट करवा दें, तो ये आला किस्म का वॉशरूम तैयार हुआ है यहाँ पर।
बड़ी प्यारी और रिसेंट सी टाइल्स लगी हुई हैं। पहले भी आपको बताया कि यूज़ है घर, ये लिटिल बिट इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये सामने जो है वो किचन, पहले बेडरूम, छोटा बेडरूम ये चेक कर लें, ये एक नॉर्मल साइज का बेडरूम है। वेंटिलेशन का यहाँ पर ख़ास ख्याल रखा गया है, बड़ी बड़ी विंडोज़ लगाई गई हैं, फॉल सीलिंग, और इसके साथ जो है ये बहुत ही प्यारा वॉशरूम तैयार हुआ है। यहाँ पर जो है वो कमोड लगाया गया है, दो WC हैं और एक कमोड है। अभी जो है वो मैं आपको किचन इसका वो विज़िट करवा देता हूँ। ये आप इसका किचन चेक करें, ज़बरदस्त साइज़ का ये भी किचन है, पूरा फोल्डिंग में किचन बनाया गया है। और सामने जो है वो बालकनी है। अगर मैं बात करूँ तो इसकी फॉल सीलिंग दिखाऊँ आपको, तो ये सामने बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत जो है वो निशेस बनाई गई हैं। और अभी मैं छत के ऊपर जा रहा हूँ, आपको इसकी जो है वो छत विज़िट करवा देते। ये जो है वो ममटी चेक करें आप, और ये अभी मैं छत के ऊपर आ गया। बड़ा प्यारा ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। बहुत सारी दुआओं के साथ सैयद आबिद को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व